नमस्कार, वेलकम, स्वागत है। मैं हूं वंदना रंगनाथन और ये है पब्लिक हस्ती फिल्मी मस्ती, इन शॉर्ट PHFM। और जैसा कि नाम से साफ जाहिर है, हम हर संडे मिलेंगे एक पब्लिक हस्ती को और उनसे करेंगे कुछ फिल्मी मस्ती, यानी कि फिल्मों की बातें। उनके पॉलिटिकल करियर से तो आप लोग परिचित होते ही हैं। यहाँ पे वी विल मीट देम इन अ लाइटर साइड, यू नो, उनसे पूछेंगे फिल्मों के बारे में, कुछ उनके बारे में, कुछ फिल्मों के बारे में। और हर संडे हम आपको लेके जाएंगे बॉलीवुड यानी कि टिंसल टाउन देखने के लिए, क्या इन है, क्या आउट है, थोड़ा आगे भी, थोड़ा पीछे भी, थोड़ा ऊपर भी, थोड़ा नीचे भी। कुछ गाना हो गया ये, नेवर माइंड, ये गानों का ही शो है हमारा आज का। तो चलिए मिलते हैं हम आज हमारी पब्लिक हस्ती से, जो कि है फायर ब्रांड BJP MP सुषमा स्वराज। वेलकम ऑन द शो सुषमा जी। सुषमा जी, आप तो स्पोक्स पर्सन है ही, तो आपको कैमरा के सामने कुछ अटपटा तो नहीं लग रहा होगा वैसे, am I right? You absolutely comfortable, are you? जी नहीं। आप बाथरूम सिंगर हैं क्या सुषमा जी? मुझे लगता है शायद हर आदमी बाथरूम सिंगर है। तो जो आप बाथरूम में गाते हैं ना, अच्छा लगता है ना, तो थोड़ा सा गुनगुना के हमें सुनाइए। बाथरूम थोड़े ही जो यहाँ गाऊँ, बाथरूम सिंगिंग का तो मतलब है कि केवल बाथरूम में गाया जा सकता है। बेसुरा गाइए, उधम मचाइए, बाहर थोड़ी बेसुरा गाया जा सकता है। ओके, एनीवे, वी लीव इट टू दैट। वैसे आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आई मीन इट, आई डोंट थिंक आप बेसुरा गा पाएंगी। सच में मुझे सुरताल की कोई समझ ही नहीं है। सुषमा जी, आप बताइए कि आपका बचपन से कोई फेवरेट हीरो या हीरोइन रही है? आप फिल्म्स तो देखती होंगी, तो कोई ऐसा हीरो या हीरोइन है, कोई हीरो ऐसा है कि जिसे आप दिल दे बैठी थी बचपन में? नहीं, दिल तो देना, दिल देने का जब समय आया तो उसी को दे बैठी थी जिससे विवाह हुआ। सो नॉन फिल्मी पर्सन से। जी हाँ। ओके, पर कोई फेवरेट तो रहा होगा, बिकॉज वी ऑल हैव आवर टचस्टोन, यू नो, कि ये मेरा फेवरेट है या मेरी फेवरेट है। नहीं, मेरे फेवरेट हीरो हैं गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड आपके फेवरेट हीरो हैं? माय गॉड, लाइक वन फायर ब्रांड पर्सन अबाउट अनदर फायर ब्रांड एक्टर। और व्हाट अबाउट हीरोइंस, आपका आजकल की हीरोइंस के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, जो बिल्कुल आधुनिक हीरोइंस आ रही हैं उसमें से तो कोई पसंद नहीं, लेकिन शबाना मेरी शबाना जी वुड बी वेरी हैप्पी, बिकॉज उनका आधुनिक में आपने नाम ले लिया है, शी शुड बी वेरी हैप्पी। पर शबाना जी की सबसे कोई फेवरेट फिल्म आपको कोई याद है अभी, कि कौन सी देखी? अर्थ। अर्थ आपकी फेवरेट फिल्म है? एंड डिड यू लाइक द डायरेक्टोरियल पार्ट, कि आपको उनकी एक्टिंग अच्छी लगी थी? बिकॉज़ स्मिता जी ने भी उसमें बहुत अच्छा, बहुत, देखिए यही चैलेंज था शबाना के सामने। शबाना और स्मिता दोनों बेहद अच्छी अभिनेत्रियाँ और दोनों के रोल बेहद कठिन। राइट, अंत तक भी जजमेंट के तौर पे आप ब्रैकेटेड कह सकते हैं, दोनों में से किसी को ऊपर या नीचे कहना ठीक नहीं। डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे जो अर्थ सबसे ज़्यादा पसंद आई वो क्यों, इससे पहले मानवीय संबंधों पे फिल्में बहुत बनी। हाँ जी। कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने एक चीज़ रखी कि जब ऑडियंस निकल कर जाए, हाँ जी, फिल्मी थिएटर से, तो वो जुदा हुए हुए लोग मिल चुके हों। अपने यहाँ रहता भी है कि हम ट्रेजेडी पूरे 3 घंटे में दिखाते हैं, लेकिन जब हम अंत करते हैं तो अंत करते हैं हमेशा हैप्पी एंडिंग। ये अकेली फिल्म थी अर्थ, जहाँ अंत में कुलभूषण खरबंदा इसमें नायक हैं, हाँ जी, ईश्वर, हाँ है उसका नाम, तो आके जब पूछता है शबाना से कि तुम मुझे माफ़ कर दो, वापस ले जाने के लिए आता है, तो वो एक प्रश्न करती है उससे कि अगर यही गुनाह मैंने किया होता तो क्या तुम माफ़ कर देते? तो वो ना में सिर हिलाता है, तो वो कहती है फिर ठीक है, फिर मैं भी क्यों करूं। और वो जो उसकी नौकर नानी की बच्ची है उसको लेकर के उंगली पकड़ के चली जाती है। स्त्री स्वाभिमान की, इससे बड़ी फिल्म नहीं हो सकती। नहीं देखी, पर आपका क्या ख्याल है, जो विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स बनती भी हैं यहाँ पे, एक तो फार एंड इन बिटवीन होती है, बहुत ही कम फिल्म्स होती हैं ऐसी, आपको क्या लगता है जो रोल दिया जाता है एक इंडियन हीरोइन को, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको फ्रस्ट्रेट करता है ये देख के कि आई मीन देयर आर विमेन लाइक यू ऑन द वन हैंड जो इतनी सक्सेसफुल हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नाम भी कमाया है और कुछ सब्सटैंशियल किया है, आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए ऐसे हमारी इंडस्ट्री में भी? देखिए, जहाँ तक फिल्मी इंडस्ट्री का सवाल है, उसने विमेन को ज़्यादातर फिल्मों में दो रोल्स में प्रोजेक्ट किया, या देवी के रोल में या दासी के रोल में, और ये दोनों रोल्स मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें केवल एक इंसान का दर्जा, एक मानवी का दर्जा दे दो तो वो कहीं बड़ी बात है, बजाय तुम हमें देवी के रूप में प्रोजेक्ट करो या दासी के रूप में प्रोजेक्ट करो। और ये एक फिल्म है जहाँ उसकी इंसानियत, जहाँ जिसको कहते हैं ना कि अपना अहम, उसका जिंदा रहा। और ये फिल्म मुझे पसंद भी इसीलिए कि वहाँ एक मानवी के रूप में शबाना को प्रोजेक्ट किया गया, वो भी, एंड विद ऑल द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स,
राइट मतलब ये जो है कि नहीं साहब या तो आप बिल्कुल पैरों की जूती हैं ऐसे करके और पति परमेश्वर हैं आप हाथ जोड़ के खड़ी हैं और या आप बिल्कुल देवी हैं और आपको पूजा जा रहा है जो कि हकीकत नहीं है समाज की हकीकत में आज महिला जो संघर्ष कर रही है जिस चीज के लिए उसको प्रोजेक्ट किया और इसीलिए अर्थ मुझे बेहद पसंद है Really, Arth was definitely one of my favorite films also क्योंकि बहुत ही meaningful film थी बहुत हमने और भी women oriented films देखी थी जैसे फूल बने अंगारे और जख्मी औरत थे आपका उनके बारे में क्या क्या आपने पहली बात तो वो देखी थी आपने क्या नहीं मैंने ये दोनों films नहीं actually I thought शायद देखिए because उसमें हालांकि उन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी कि women can take revenge but I think जिस तरह से उन्होंने वो depict किया था maybe that was देखिए मैं कह रही हूँ जो नाम से ही है ना जैसे मैंने फिल्म नहीं देखी क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिल पाता है फिल्म देखने का बहुत अच्छी फिल्म ही हो तो वीडियो पे मंगा के देख लेती हूँ थिएटर में जाने का तो मौका ही नहीं मिलता लेकिन ये जैसे फूल बने अंगारे वाले भी ना कई बार हम देखते हैं इवन राजनीतिक मंचों से नारा लगता है हाँ जी हम भारत की नारी हैं फूल नहीं चिंगारी हैं राइट ये गलत है फूल भी हैं चिंगारी हैं दोनों चीज हैं और इक्वल प्रोपोर्शन में क्योंकि दोनों की हैसियतें फर्क है अगर हम फूल नहीं चिंगारी हैं फिर तो जलाते जाएंगे घर को भी जलाएंगे समाज को भी जलाएंगे परिवार को भी जलाएंगे चिंगारी हैं उन दुश्मनों के लिए जिनको चिंगारी की आवश्यकता मगर घर वालों के लिए तो फूल हैं तो इसलिए मैं हमेशा इस नारे को भी मना करती हूँ कि फूल नहीं है चिंगारी है मत डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट रोल फूल और चिंगारी है जिस समय पर जो हैसियत चाहिए वो है तो अब पता नहीं फूल बने अंगारे में उन्होंने क्या बना दिया होगा मैंने देखी नहीं फिल्म इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती लेकिन ये फिल्म बहुत धरती से जुड़ी फिल्म थी इसलिए मुझे पसंद आई बहुत पसंद आई और सुषमा जी आपका कोई फेवरेट गाना है अभी का जो मतलब शायद आपने सुना हो क्योंकि आजकल आप टीवी का कोई भी चैनल ऑन कीजिए तो कोई ना गाने तो जरूर दिखेंगे आपको तो कोई ऐसा गाना है जो आपके दिमाग में रहा और आप गुनगुनाते रहे हो वैसे तो मुझे पुराने गाने बेहद पसंद हैं पुराने गानों में से भी कोई फेवरेट है हाँ है ना पुराने गानों में दो गाने तो बहुत पसंद है एक तो मेरा सबसे फेवरेट गाना है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों थोड़ा सा गा के सुना दीजिए मुझे गाना आता नहीं ना कैसे गाऊं ये गाना बेहद पसंद है और एक गाना वो बहुत पसंद है बंदिनी का अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए वंडरफुल इतने एक्सेप्शनल से गाने इतने डिफरेंट से गाने हैं बहुत ही ज्यादा पसंद है लेकिन जो इन दिनों भी गाने आए जिन फिल्मों में जावेद अख्तर ने लिखे एक 1942 लव स्टोरी के गाने मुझे बेहद पसंद है उसमें खास तौर पे एक लड़की को देखा मतलब आप पहली बार देखेंगे कि बहुत दिनों के बाद उपमाएं ऐसी आई कि मतलब मन को छूती हैं बिल्कुल या उसके बाकी गाने भी अब अगर आप जरा सी सिमिली देखें उस गाने में रिमझिम रिमझिम में हाँ जी ए, बजता है जल तरंग टीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे वंडरफुल कहाँ से आता है ये वंडरफुल बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आपसे ये सुन के क्योंकि हम लोग तो खैर और एक जो अभी उसने गाना दिया इसमें घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर बहुत सीधे गाने हैं ये लेकिन कहीं ना कहीं छूते हैं अंदर तक तो बहुत और अब तो सबसे बड़ा उद्यमी गाना आई टप्पा चप्पा चप्पा चरखा चले थोड़ी क्योंकि वो पंजाब की संस्कृति का है असर तो उसमें वो भंगड़े की धुन पे है ये गाना चप्पा चप्पा चरखा चले तो खूब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है पॉलिटिकल लीनिंग्स एंड दिस पोएटिक लीनिंग्स एज़ वेल बहुत ही पोएटिक गाने आप पसंद करती हैं आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट रियली और मेरे को एक और चीज़ आपसे पूछनी थी सुषमा जी आपको जो आजकल के हीरोज हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं अपने फीमेल काउंटर पार्ट्स से अगर कंपेयर किया जाए तो आपको उसके बारे में कुछ कहना है कि आई मीन दे वर्क इक्वली हार्ड एक्टिंग भी उनसे शायद बढ़िया ही करते हो बट समहाउ डिस्पैरिटी रहती है उनके पैसों में या मतलब द काइंड ऑफ मुझे तो ये लगता है कि पैसा देना तो उस फिल्म पर्टिकुलर के चरित्र पर निर्भर करना चाहिए अगर कोई फिल्म फीमेल कैरेक्टर बेस्ड है और उसी का मेजर रोल है तो वहाँ पे मेल पार्टनर को ज़्यादा पैसा मिले इसकी कोई का औचित्य नहीं है कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो कौन कैसा रोल कर रहा है और वो रोल अपने आप में वो कितना लाइवली मतलब उस रोल को किस तरह जी रहा है इस पर पैसे का तो फैसला होना चाहिए फीमेल काउंटर पार्ट्स को कम मिले मेल को ज़्यादा लगे कोई जस्टिफिकेशन नहीं इसका कोई जस्टिफिकेशन यहाँ भी नहीं है क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि यूएन में भी ऐसा होता है कि सेम लेवल पर अगर एक औरत काम कर रही हो और एक आदमी काम कर रहा हो तो आदमी ज्यादा तनख्वाह लेके जाता है उसी डिस्क्रिमिनेशन के शिकार है ना हम समान वेतन समान काम के बावजूद जैसे बेचारे को एक कॉन्ट्रेक्टर देता है एक बेचारी मजदूरन को कम मिलता और है पुरुष को ज्यादा जबकि ईंटा बराबर का ढोती है तो ये तो उस मानसिकता के शिकार है हम लोग
जो समाज में फैली हुई है। अगर आपको बोला जाए कि कोई ऐसा मीनिंगफुल रोल किसी औरत कोई हमारी फिल्म एक्ट्रेस को दिया जाए, आप किसको देना पसंद करेंगे? हमारी बहुत सारी लीडिंग फिल्म आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो स्टार्स भी हैं, तो अगर कोई मीनिंगफुल रोल किसी ने प्ले करना हो हमारी आजकल की हीरोइंस में, करंट क्रॉप में, तो आप क्या सोचते हैं कि कौन ऐसा रोल प्ले कर पाएगी? मीनिंगफुल रोल के लिए मैंने कहा ना कि वो अभिनेत्रियाँ आज के दौर में तो दिखाई नहीं दे रही जो बिल्कुल लेटेस्ट है, अदरवाइज राखी, शबाना, स्मिता, उस कैटेगरी के महिलाएं थी जिनको आप जैसा मर्जी मीनिंगफुल रोल दे दें वो उसको निभाती। लेकिन ये जो अब क्रॉप आई है बिल्कुल, लेकिन उनकी दूसरे शहर की लड़की, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मीनिंगफुल रोल करने वाली कोई भी अभिनेत्री इस समय मौजूद है। वो सिर्फ कमर्शियल फिल्म्स बनाते हैं, पैसा कमा के घर चले जाएं। और मोटिव भी प्रॉफिटेबिलिटी है ना। मीनिंगफुल रोल का मतलब है कि आप कोई मैसेज देने के लिए आए हैं, राइट, कि आप अभिनेत्री होकर के भी अपने कैरेक्टर के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश वाहिकाएं अब कहाँ रहेगी? कम से कम ये जो बिल्कुल लेटेस्ट क्रॉप है उसमें तो सिवा आपको डांस करना ये कुछ और नजर नहीं आता उसके अलावा। और डांस भी ऐसा कि देखने को जी नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, क्योंकि जो इस समय की क्रॉप है ना उसमें से बहुत आशा नहीं बन रही, लेकिन फिर भी मनीषा कोइराला से एक आशा है क्योंकि उन्होंने आपके फेवरेट सॉन्ग में, वैसे भी 1942 लव स्टोरी में उसने जो रोल किया है वो उस दिशा में है। अगर डायरेक्टर कोई रोल उसे दे तो उस रोल पे वो पूरी उतर सकती है। मतलब इस क्रॉप में से मनीषा कोइराला से आप उम्मीद बांध सकते हैं कि वो कर केवल कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी से हटके उस तरीके का रोल करने का मादा उसमें है। ओके, और सुषमा जी, अभी जो हाल ही में मिस वर्ल्ड का शो हुआ, इधर होस्ट किया था ABCL ने, आपने उसे बहुत अपोज किया था, तो आपको ऐसा नहीं लगता सुषमा जी कि हमारे फिल्मों में जो ऑब्सेनिटी आजकल दिखाते हैं वो मिस वर्ल्ड से कहीं ज़्यादा है? तो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट ऑब्जेक्टिंग टू द फिल्म्स के में जो ऑब्सेनिटी दिखाई जाती है उससे पहले ऑब्जेक्ट करें, ना कि मिस वर्ल्ड को। आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, देखिए जहाँ तक फिल्म की ऑब्सेनिटी का सवाल है, उस ऑब्सेनिटी का बहुत विरोध हमने किया संसद के अंदर, संसद के बाहर, और सेंसर बोर्ड है। हाँ जी। और हम सेंसर बोर्ड की भी बहुत आलोचना करते हैं कि उनकी कैंची से बच के कैसे निकल जाते हैं। वो एक अलग चीज़ है। मिस वर्ल्ड अपने आप में एक इवेंट है। हाँ जी। वो इवेंट जहाँ महिला की जो एक्चुअल चीज़ें जिनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, हाँ जी, उनसे हट के आप ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं केवल फिजिकल ब्यूटी को और फिजिकल फीचर्स को। और भारत में उसका विरोध करने का एक और कारण है। देखिए भारत की संस्कृति बिल्कुल फ़र्क है। आप कहेंगे कि आप हमेशा संस्कृति की बात करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको इलेबरेट करके बताना चाहूँगी। आप वेस्ट में कहीं किसी पार्टी में खड़ी हैं और आकर के कोई मेल मेंबर आकर के आपको कहें यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी और यू आर वेरी गुड फिगर्ड, यू विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वहाँ की महिलाएं इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेंगी। आप किसी इंडियन पार्टी में अगर कोई मेल पार्टनर आकर के या कोई भी आकर के आपका मित्र, हाँ जी, पुरुष मित्र आकर के ये बात कहे, आप लेंगे, आप सीधे चप्पल निकालेंगे और टांट गंजी करेंगी, और जो साथ में खड़े हुए लोग हैं वो भी उसको उस स्पिरिट में नहीं लेंगे। क्योंकि हम लोगों के यहाँ के जो संस्कार हैं वो टोटली फर्क है। इसलिए मिस वर्ल्ड में तो हम ये कहते हैं कि मिस वर्ल्ड इवेंट करके आप ये कहते हैं कि तुम्हारी इंटेलेक्ट बहुत मटीरियल नहीं, तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म मटीरियल नहीं, तुम्हारी एजुकेशन मटीरियल नहीं, तुम्हारी बाकी चीज़ें मटीरियल नहीं, क्या मटीरियल है? ओनली योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। तो एज एन इवेंट अपने आप में जहाँ महिला के प्रदर्शन को, महिला के अंगों की सुंदरता को एक फोकस बना दिया जाए जी, वो अपने आप में विरोध की चीज़ है जिसका हमने विरोध किया। तो जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, हमारे जो इतने टेम्पल्स, खजुराहो के मंदिर आप देख लीजिए, हालांकि इट्स सपोज टू बी अ सेक्रेट प्लेस, अब देखिए वहाँ पे जाके, वहाँ पे भी एकदम जो प्रदर्शन किया हुआ है वो भी फीमेल मेल बॉडीज़ का किया है, जो हमारी कामसूत्रा वाली किताब है उसमें भी ये सब है। तो लोग ये सोचते हैं कि जब हमारे देश में जहाँ पर ट्रेडिशन, रिच ट्रेडिशन, कल्चर ये सब है, जब वहाँ पर ऐसी किताबें पता नहीं सदियों पहले कब से छपी हुई हैं और ये मंदिर तब से बन चुके हैं, वहाँ पर 20th सेंचुरी में आके अगर मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट उन्होंने होस्ट किया तो में कोई गलत बात नहीं है। वंदना जी, कामसूत्र की किताब उपलब्ध है ना, लेकिन आप बेटी के साथ तो नहीं बैठकर पढ़ती, right. आप कामसूत्र की किताब, आप कामसूत्र की किताब लेती हैं अपने बेडरूम में ले जाकर पढ़ती, आपकी बच्ची को अगर पढ़नी है तो वो ले जाकर के अपने कमरे में पढ़ती जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक अदब रखा हुआ है ना, राइट, जवान बेटी और बाप इकट्ठे बैठकर तो कामसूत्र नहीं पढ़ते ना, उपलब्ध है बुकशेल्फ पर उपलब्ध है, right. लेकिन यहाँ तो सारा उघाड़ापन आप इकट्ठे देख रहे हैं बैठ करके, right. तो हमारे कौन कहता है कि इन चीजों की अपनी उपयोगिता नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ अदब जुड़े हुए हैं, right. आप अपने हस्बैंड के साथ बैठकर के कामसूत्र पढ़ सकती हैं, बेटे के साथ बैठकर तो नहीं पढ़ सकती,
तो ये एक अंतर है. राइट, बहुत ही बढ़िया बताया आपने सुषमा जी. और एक और सवाल है, थोड़ा फिल्मों से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि जो ऑब्सेनिटी प्रदर्शित होती है यूजुअली फिल्म्स में, उसमें खजुराहो में तो वैसे दोनों यू नो मेल्स और फीमेल्स दिखाए जाते हैं, पर फोकस इंडियन फिल्म्स में हमेशा वुमेन पर ही रहता है यू नो. और जब भी कोई वुमेन ओरिएंटेड फिल्म भी होती है जिसमें दिखाते रिवेंज लेना, बट इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद हर फिजिकल सेल्फ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने तो कहा ना शुरू में, कहा कि हमारे यहाँ धीरे धीरे महिला जैसे उपभोग की वस्तु बन गई. मतलब केवल फिल्म्स में क्या, आप एड्स में देखिए, प्रासंगिक और ना प्रासंगिक, कोई रेलिवेंस नहीं है. टायर की एड है मगर नंगी महिला दिखाएंगे, सिगरेट की एड है, जूते. अब मुझे आप मुझे बताइए कि जूतों की एड में अलफ नंगे पति पत्नी, पुरुष स्त्री, पति पत्नी भी नहीं है और जूते पहने हुए. आज तक आपने कभी भी, बहुत लोगों को ये तो देखा होगा कि तन पर कपड़े पूरे हैं, पैर में जूता नहीं है, लेकिन एक मुझे बता दीजिए व्यक्ति जो दिन पूरा अलग नंगा उसने जूते पहने हुए. लेकिन यहाँ आते हैं ऐसे एड क्योंकि आकर्षण उसमें, तो कहीं हम कहीं रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे. टोटली इररेलेवेंट चीज हो लेकिन महिला का उघाड़ा अंग प्रदर्शन जब तक आप नहीं करेंगे आपका विज्ञापन पूरा नहीं होता. ये विकृत हो गई सोच हमारी, परवर्ट हो गई टोटल थिंग हमारी. और इसी के लिए मैं परवर्ट थिंकिंग के खिलाफ. हमारे जो डायरेक्टर रह चुके हैं बहुत ही फेमस, राज कपूर, उनका तो पूरा क्लान ही इतना फेमस है, उन पर भी आरोप लगाया जाता था कि वो अपनी फिल्म्स में यू नो फिजिकल ब्यूटी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे, फीमेल्स की फिजिकल ब्यूटी पे, और उसी को ज़्यादा प्रदर्शित करते थे. आप राज कपूर की फिल्म देखती थी, आपका क्या ख्याल है उनके बारे में एज अ डायरेक्टर? आपको लगता था वो ऐसे करते? मुझे तो लग रहा बाकी डायरेक्टर्स कर रहे हैं ना करिश्मा कपूर के साथ हुई. अब जरा देखें, अगर राज कपूर ने बाकी जगह नंगी लड़कियाँ नचाई तो आज उन्हीं के परिवार की लड़की को बाकी डायरेक्टर नचा तो रहे, देखें वो कि उनको क्या लगता है. तो राज कपूर की ऐसी कोई फिल्म है जो आपको याद हो, आपने देखी हो? क्योंकि मैंने संगम देखी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा संग, जिसमें उन्होंने खुद एक्ट किया था. सो डिड यू लाइक हिम एज एन एक्टर मोर और एज अ डायरेक्टर? नहीं, वो तो खैर देखिए जहाँ तक तो उसका सवाल है, फिल्म इंडस्ट्री में ही वो अ लीजेंडरी फिगर, मतलब एज एन एक्टर एज अ डायरेक्टर बोथ. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परवर्स था उनका, एक आधा क्लू जरूर ऐसा था जिसमें उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये सब करने में ज़्यादा मज़ा आता था. मतलब उसको इट वॉज एन अवॉइडेबल थिंग, अवॉइड करके भी वो बढ़िया फिल्म बना सकते थे. मगर होता है ना, ईश्वर सारे तो गुड नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं एक आधी सनक खामी भी होती है, एक आधी सनक थी उनमें. तो आप एज अ वाइफ अपना रोल कैसे देखती हैं सुषमा जी? जैसे आपके हस्बैंड हैं वो तो पॉलिटिक्स में नहीं, इज अ नॉन पॉलिटिशियन, तो आप अपना घर का और बाहर का वो कैसे बैलेंस कैसे कर पाती हैं? वैसे तो उन्हें नॉन पॉलिटिशियन कहना गलत है, वो तो खुद गवर्नर रहे 3 साल. पहले भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, ये वो. ये ठीक है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में, मीन्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि हमें दो अलग हैसियतें जीनी होती हैं और किसी को भी जीनी चाहिए, एक घर के बाहर की, एक दहलीज के अंदर की. और मैं तो बिल्कुल जब घर की दहलीज में कदम रखती हूँ तो ये राजनीतिक चीज़ें बाहर छोड़ के आती हूँ, क्योंकि घर के अंदर मुझे मालूम है कि पति को पत्नी चाहिए मंत्राणी नहीं, राइट. बच्ची को माँ चाहिए एमपी नहीं, सास ससुर को बहू चाहिए कोई स्पोक्स पर्सन नहीं. तो वैसे आप बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, आपके हस्बैंड और आपके बीच में स्पोक्स पर्सन कौन है? नहीं, हम दोनों में स्पोक्स पर्सन होने की आवश्यकता ही नहीं ना एक दूसरे के. इट्स अ बैलेंस रिलेशनशिप. तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि घर के अंदर यदि आप ये सोचें कि वो राजनीतिक लबादे बाहर छोड़ के माँ पत्नी बहन बहू ये रोल्स अदा करने, तो दो चीज़ें होती हैं. एक तो मोनोटनी टूटती है, राइट. वरना आप दिन भर अगर एक ही रस में जीते रहें तो कैसे होगा? अब इसलिए मुझे जब मैं ये सब करके नए दोबारा निकलती हूँ घर से बाहर तो इतनी ताज़ी होती हूँ, एकदम एक नई ताजगी. आप बच्चे के साथ खेले हैं, पति के साथ बैठ के आपने बात की, चाय पी, एक अलग ढंग होता है. आप घर में बैठे हैं, सब लोगों के साथ हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, हर समय आप अपना बिल्कुल मोनोटनी टूटती है आपकी, और फिर घर की उपेक्षा भी नहीं होती. और मुझे लगता मैं तो 19 साल से पिछले यही कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ, और शायद यही कारण है घर का इतना सहयोग मिलता है मुझे, बच्ची का, पति का, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता कि घर को इग्नोर करके ये पॉलिटिक्स कर रही है. वंडरफुल, वंडरफुल. आजकल के हीरोज जो हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन है? बहुत पसंद तो कोई नहीं, लेकिन अगर फेवरेट ज़रूर पूछना है तो सलमान खान. सलमान खान? ओह माय गॉड, उसकी कोई मूवी देखी आपने? हाँ, 1942 लव स्टोरी देखी. ये देखी? ओह नो, ये तो 0 out of 10 हो गया. आपके हम हैं कौन? हम आपके हैं कौन, राइट? हम आपके हैं कौन? और हीरोइंस में से तो आपने अपनी चॉइस बता दी मनीषा कोइराला की. और राइट, विलन कोई आपका फेवरेट है? फेवरेट विलन? विलन्स यूजुअली आर फेवरेट्स, बट कोई ऐसा विलन जो जिसको देख के आपको सच्ची में बहुत गुस्सा आता हो?
She thinks he's a villain. कहीं कहीं तो विलेन ही करता है. 1942 लव स्टोरी में तो विलेन ही बन गया था बाद में. अरे नहीं, so sad, he happens to be my favorite anyway. We'll sort that out later. Now, आप जब मूवीज देखती हैं, how do you watch films? Pure entertainment के लिए होता है कि आप जब भी कोई film देखती हैं, आप सोचती हैं कि हर एक चीज में कोई meaning होना चाहिए film में. Unless it has a meaning to it or a moral to it, it's not a good film. ऐसा नहीं है. दो चीजें हैं. अब जैसे हम आपके हैं कौन, तो मैं थिएटर में देखने गई बहुत दिनों के बाद. अच्छा. एक फिल्म थिएटर में देखी क्योंकि जैसा सुना था उसके बारे में, बड़े पर्दे पे फिल्म अच्छी लगी. अब वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए. right. क्योंकि जैसे मैंने पूछा तो सबने कहा ऐसे लगेगा आपको जैसे आप 3 घंटे किसी ब्याह शादी में होकर आ गए. तो हमको लगा उस दिन मेरा जन्मदिन था. अच्छा. हमको लगा कि चलो ठीक है आज फिल्म जाया जाए, 3 घंटे वहाँ बिताएंगे. प्योर एंटरटेनमेंट था, बहुत मैसेज वाली फिल्म नहीं है. लेकिन बहुत दिनों के बाद एक नीट फिल्म मिली. right. देखने के लिए. लेकिन ये जो बाकी फिल्म्स हैं उसमें ज़रूर ये पता कर लेती हूँ कि कोई अच्छी फिल्म है. जैसे रोज़ा देखी फैमिली के साथ बैठ के देखी जाए. जैसे रोज़ा देखी. right. पता लगा कि एक फिल्म बनी है कश्मीर टेररिज्म पे बनी है, वो देखनी है. या बाकी भी फिल्म जैसे अब वो शायद लोगों को मालूम भी नहीं, मुझे एक फिल्म बहुत पसंद है, इजाज़त. Oh, इजाज़त, that's a very good film. That's a very good film. जिसका वीडियो कैसेट घर में ही रहता. और अगर ईश्वर झूठ नहीं बुलाया तो 20-25 बार मैंने वो फिल्म देखी होगी. आपने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. इतनी देखिए, इतनी लीक से हटके है वो फिल्म. मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि इस तरह की रिलेशनशिप. अब जो रिलेशनशिप उसमें नसीरुद्दीन ने जी है. राइट. दोनों औरतों के साथ. दोनों के साथ. लेकिन उसमें अब रेखा का रोल अपने आप में एक बिल्कुल अलग है जी. लेकिन दूसरा रोल भी कितना ज्यादा अच्छा है अनुराधा पटेल का. कितना ज्यादा अच्छा रोल है अनुराधा का उसमें. अब ऐसी फिल्म आपको देखने को ही नहीं मिलेगी. That's true. और कोई इंडियन डायरेक्टर इस तरह की रिलेशनशिप पे फिल्म बनाएगा. अनुराधा पटेल और नसीर के रिलेशनशिप को आप क्या कहेंगे. right. लेकिन उस सब के बावजूद अब रेखा का केवल एक सेंटेंस पूरा, कि जब नसीर उससे पूछता है कि मैं क्या करूं, तो right. वो कहती है कि जो सच है और सही सत्य है उसी का जो साथ सच है और सही है वो करो. That's so difficult. नहीं, उसने कहा कि मैं उससे प्यार करता था, अनुराधा का नाम लेके कहता, वो सच है मगर मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सही है. right. सही है. तो मतलब उस फिल्म का तो खैर एक एक संवाद जैसे मुझे याद है. तो मेरी फिल्में बिल्कुल अलग हैं लोगों से, बहुत अलग है मेरी फिल्में. अब इजाज़त मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है. सिलसिला मुझे बहुत पसंद थी फिल्म जैसे. मतलब एक तो टोटल फिल्मों में से मुझे मानवीय संबंधों की फिल्में ज़्यादा पसंद आती हैं. हाँ, वो तो एकदम जाहिर हो रहा है. लेकिन इजाज़त इतनी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे. सुबह मुझे बहुत पसंद है. सुबह भी. ओह यस, स्मिता पाटिल की. स्मिता की. गिरीश है उसमें. राइट. ओह यस, देयर इज गिरीश कर्नाड एज़ वेल. स्वामी मुझे बहुत पसंद है. गिरीश कर्नाड अगेन. आप ये देखिए, सुबह में और स्वामी में जो एक हस्बैंड का रोल गिरीश ने लिया है. अब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो रोल शायद मेरे अपने हस्बैंड के रोल से मिलते हैं. बिकॉज़ दे आर वेरी सपोर्टिव हस्बैंड्स. राइट. इन बोथ दी फिल्म्स. राइट. ये भी होता है, आखिरकार जब चॉइस आपकी बनती है पसंद ना पसंद की, तो अपने अनुभवों पर भी बनती है. मुझे बेहद पसंद है और इन दो फिल्मों के कारण ही गिरीश मेरे बहुत फेवरेट हीरो बने. हाँ, बहुत फेवरेट हीरो बने. तो मेरी फिल्में बहुत अलग हैं. सुबह मुझे बहुत पसंद है, जब कभी आ जाए. खामोशी मुझे बहुत पसंद थी. oh, yes, तो उस तरह की. हाँ, संजीव कुमार. हाँ, संजीव तो संजीव गिरीश के बाद के मेरे फेवरेट हीरो. संजीव सेकेंड बेस्ट इज संजीव. तो बिल्कुल अलग ढंग के लिए. तो ज़रूरी नहीं है कि केवल मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखूँ या केवल मैसेज के लिए देखूँ. आदमी जब जिंदगी में. सुषमा जी, ये तो थी फिल्म में जो एक्ट करते हैं उनकी बातें. अब फिल्म मेकर्स के बारे में बताइए, आपका कोई फेवरेट फिल्म मेकर है? देखिए, जिसका नाम लूँगी लोग वैसे हैरान होंगे, क्योंकि पोर्नोग्राफी पे उनके कमेंट पर मैंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी, महेश भट्ट के. अच्छा. लेकिन एज अ डायरेक्टर मुझे लगता है कि जब मैं टिप्पणी करूँ तो सारे बायसेस से दूर होकर करूँ. दूर होकर. महेश भट्ट वाकई एक अच्छे डायरेक्टर है. Really, I hope he's listening. उनकी डॉटर भी अब उसने रिसेंटली प्रोडक्शन शुरू किया. What do you think about her? आपने तमन्ना देखी क्या? देखी नहीं. तमन्ना भी वैसे मैंने भी नहीं देखी, so I can't comment on that either. लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी डायरेक्शन के हिसाब से तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं तमन्ना लड़की को जानती हूँ जिस पर वो बना रही है फिल्म. ओह अच्छा. बच्ची है तमन्ना, मिसेस चन्ना की बेटी है. अच्छा. जो DPS आर के पुरम की प्रिंसिपल है. हाँ जी. उस बच्ची से मैं मिली हूँ, इसलिए वो फिल्म जिस तरीके की बन रही है उसके बारे में सोच सकती हूँ. लेकिन फिल्म चूंकि देखी नहीं, इसलिए अभी कोई कमेंट नहीं कर सकती.
ओके और एक और सवाल है, कुछ टेढ़ा सा सवाल है. अगर आप कोई किसी अपना चेहरा अगर आपको ये बोला जाए कि आप किसी एक्ट्रेस का जैसा या एक्टर का जैसा बना दे, तो आप किसको चूज करेंगे? मेरा अपना चेहरा बुरा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है. मुझे लगता है शायद कई एक्ट्रेसेस सोचती होंगी कि अगर हमारा चेहरा ऐसा होता तो मैं क्यों किसी के चेहरा मांगूं. ओके ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन जी. इफ यू वर टू गेट मरून ऑन एन आइलैंड, कहीं अकेले में आपने जाना और एक आदमी लेने का आपके पास चॉइस हो, आदमी not an aurat, आप किसको चूज करेंगे? अपने हस्बैंड को. वंडरफुल, शी इज वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड. आई थॉट ऑफिस में से किसी को चुन ले ताकि ऑफिस का काम बैठ के करे. अरे मुझे अगर आइलैंड में बैठ के एकांत में बैठना है तो ऑफिस का काम करने थोड़ी जाऊंगी. तो फिर अच्छा है अगर मेरे पति ऐसे एकांत में मेरे साथ होंगे तो कहीं ज्यादा इंजॉय कर सकेंगे. मैं वहां भी ऑफिस वाले को क्यों ले जाऊं? मैंने अभी तो आपसे कहा कि मैं हैसियतें अलग अलग जीती हूं, और एकांत में मैं किसी ऑफिस वाले के साथ क्यों बैठना पसंद करूंगी. वंडरफुल वंडरफुल. तो अगर किसी फिल्म पर्सनालिटी को चूज करना, वो तो आपने तो अपने पति को चूज कर लिया है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ एक फिल्म पर्सनालिटी को आप ले सकते हैं, तो आप किसको चूज करते हैं? तो फिर नेचुरली अपने फेवरेट हीरो के साथ बैठना चाहूंगी बजाय किसी और के. ऑलराइट सुषमा जी, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई हमें, और हमें इस बात की भी खुशी है कि आप जैसे बिजी एमपी ने हमारे लिए टाइम निकाला यहाँ पर आने के लिए. हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. थैंक यू वेरी मच.